तरल पदार्थ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर तरल पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए आप लोग ठोस पदार्थ पढ़े होंगे, द्रव पदार्थ पढ़े होंगे, गैस पदार्थ पढ़े होंगे, लेकिन तरल पदार्थ आप में से बहुत कम लोग पढ़े होंगे या फिर बहुत कम लोग सुने होंगे। आज आप लोग जान लीजिए कि तरल पदार्थ है क्या। तो देखिए जिस पदार्थ में क्या, तो जिस पदार्थ में बहने वाला गुण होता है ना, उसी को तरल पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर यह जो है ना बहने वाला, यह शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तरल पदार्थ का मुख्य खास गुण यही होता है कि तरल पदार्थ बहता है। तो जिस भी पदार्थ में बहने वाला गुण होता है ना, उन सभी पदार्थ को तरल पदार्थ कहते हैं। और तरल पदार्थ में मुख्य रूप से दो तरह का पदार्थ आता है, एक द्रव आता है और एक गैस आता है, क्योंकि इन्हीं दोनों पदार्थों में गुण होता है बहने वाला। बहने से मतलब कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए द्रव रहेगा या फिर गैस रहेगा, यहाँ पर रहेगा ना, आप रखेंगे ना, तो यह बह जाएगा किसी भी दिशा में, इस दिशा में बहेगा या फिर इस दिशा में बहेगा या फिर चारों तरफ, ठीक। तो जिस पदार्थ में बहने वाला गुण होता है उसी पदार्थ को कहते हैं तरल पदार्थ। और इसमें गैस पदार्थ भी आता है और द्रव पदार्थ भी आता है। गैस में हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा, ये सब कुछ भी, और द्रव में मान लीजिए पानी हो गया, दूध हो गया, शराब हो गया, इस तरह से कोई भी लिक्विड हो गया। यह सब कौन सा पदार्थ है, तो यह सब तरल पदार्थ है।